नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं भास्कर चौहान भारतीय, मध्य प्रदेश में कर्ज मुक्त भारत अभियान प्रमाण पत्र का द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है। कल 23 तारीख को ग्वालियर में प्रारंभ हुआ और आज दूसरा दिन है जो कि हम मध्य प्रदेश के ब्यौरों में उपस्थित हैं। काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में जो है उपलब्ध हैं प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर विजय तोमर भारतीय जी। जय हिंद जय भारत अध्यक्ष जी, आप आज ब्यौरा में हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय हिंद जय भारत। सर्वप्रथम मैं सनवा चौधरी भारतीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज उनके पेज के माध्यम से लाइव रहूं। साथियों, आपको पता है कि आज मध्य प्रदेश में कर्ज मुक्त अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है और द्वितीय चरण के द्वितीय दिवस पर आज हम ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश में प्रमाण पत्र का वितरण कर रहे हैं। और ये जनता जो आप देख रहे हैं, सभी के पास प्रमाण पत्र का वितरण हमने किया है। ये सभी आज बहुत ही खुश होंगे क्योंकि इन लोगों को आज प्रमाण पत्र मिला है और इस प्रमाण पत्र की इतनी उपयोगिता है कि ये इस प्रमाण पत्र से अपनी कर्ज मुक्ति की लड़ाई को, जंग को जीतने जाएंगे। और ये कर्ज मुक्ति का प्रमाण पत्र इनके लिए एक नींव का पत्थर बनेगा और वास्तव में ये अपना प्रमाण पत्र, इसकी कलर कॉपी किसी बैंक में, किसी साहूकार को, एनबीएफसी कंपनी, किसी भी जगह लगाते हैं तो उनको अपने कर्ज से मुक्ति मिलने की 100% संभावना है और ये प्रमाण पत्र इनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। तो फिर आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप प्रमाण पत्र लेके जाएं, इसे बैंकों में लगाएं एप्लीकेशन के साथ में, तो आपका कर्ज माफ होगा, आपको समय मिलेगा और उसके साथ जब सरकार कर्जा माफ करेगी, जब तक तो कर्जा माफ होगा ही, लेकिन अभी आपको अभी के लिए राहत मिल जाएगी। साथियों, एडवोकेट पवन नरवरिया भारतीय जी हैं, मध्य प्रदेश इंदौर से लोकसभा प्रभारी हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान के। पवन जी, कैसा काम चल रहा है आपका? सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत और गुरु जी का आभार कि आज उनके पेज से लाइव आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो हमारा अभियान चल रहा है पूरे देश में, लगभग 10 लाख के आसपास लोगों ने इसमें कर्ज मुक्ति अभियान में फार्म भरा है। फार्म भरने के बाद हम लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को जो कानून से संबंधित प्रक्रियाएं हैं उन्हें ये बता रहे हैं कि अगर कोई कर्ज से परेशान व्यक्ति है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, प्लस RBI ने क्या गाइडलाइन दी, उन सभी से हम लोगों को जागरूक लगातार करते आ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी आज लोग परेशान हैं, लोग रिकवरी एजेंटों के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे पेपरों में लगातार आपको खबर आ रही होंगी कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। कल की घटना है भोपाल में, एक 35 साल के युवा व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ कर्ज के कारण अपना आपको आत्महत्या कर ली है। ऐसी घटनाएं ना हो, हम आपसे बार बार विनती करते जाते हैं, आदरणीय गुरु जी भी आपसे विनती करते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं। लेकिन लोगों की आत्महत्या थमने नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी हमको महसूस हो रही है कि हम अभी तक पूरे देश में लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मेरा इस पेज के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो भी ये चीज़ का ध्यान रखें। इस कर्ज मुक्त भारत अभियान को उस हर व्यक्ति तक पहुँचाना है जो व्यक्ति आज सुसाइड करने के लिए परेशान है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस अभियान को, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक सर्टिफिकेट तैयार किया है, जो कर्ज मुक्ति का जो सर्टिफिकेट है ये कोर्ट में भी मान्य हो रहा है, बैंकों में भी मान्य हो रहा है। बस आपको करना क्या है, इस सर्टिफिकेट के साथ आपको आपका आवेदन लगाना है और ये बोलना है कि हमारे कर्ज के परेशान होने के कारण आज हमें धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से कर्ज मुक्त भारत अभियान में जब से जुड़े हैं, जब से हमें राहत मिली है, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट हमें ये बता रहा है कि हमारी फाइल वित्त मंत्रालय गई हुई है और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी से भी समय ले सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि हमें सरकार से आवेदन की जब तक हमें प्राप्ति होने के बाद हमें आश्वासन नहीं मिलता है, कर्ज माफी का हमें आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हमारा समय दिया जाए। और सभी से अनुरोध है कि सर्टिफिकेट को संभाल के रखें और सिर्फ इसकी कलर कॉपी लोगों तक पहुंचाएं। कोई समस्या आती है आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। मेरे साथ अमन जी हैं, अमन जी रतलाम लोकसभा प्रभारी कर्ज मुक्त भारत अभियान के। अमन जी, कैसे काम चल रहा है आपका? जय हिंद जय भारत साथियों, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाले जा रहे हैं। तो साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप एंट्री करवाते हैं सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि भैया दूसरा नंबर था, उन्हें याद नहीं रहता, काफ़ी समय पर जो फॉर्म भरे हुए हैं
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर से फॉर्म भरा है आपको वो नंबर लिखवाना है, और जिसके नाम पर कर्जा का फॉर्म भरा है उसकी एंट्री करवानी है। अभी तक कितना सीट आपके पास में आ गया, कौन सा नंबर चल रहा है आपका? 12 सीट हो चुकी है और बाहर भी अगर लगभग 120 लोग की एंट्री आपके पास आ चुकी है और बाहर भी लोग लाइन में लगे हैं। बाहर कम से कम 250 से 300 लोग खड़े हुए हैं और अभी ये सिलसिला चलता जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया मंजी, धन्यवाद आपको। जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं हमारे राजगढ़ के जो है केंद्र के प्रमुख हैं गजेंद्र एस मार्केली भारती जी। गजेंद्र जी, कैसा काम चल रहा है आपके नेतृत्व में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और काफ़ी व्यवस्थाएं आपने की, क्या कहना चाहेंगे आप कर्जमुक्त भारत अभियान के लिए और खासकर सर के लिए, इन्होंने जो अभियान एक वरदान के रूप में आप लोगों को दिया है? ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में और खासकर राजगढ़ जिले में, हालत ये है कि उनके खर्चे चलाने मुश्किल हैं और कर्ज में बैंक वालों के ये हाल है कि रोज कुछ न कुछ दबाव बनाते हैं और उनको आत्महत्या पर मजबूर कर देते हैं। मेरा सभी भाइयों से एक अनुरोध है कि जो हुआ अब शाहनवाज भारती जी ने एक मुहिम चलाई है कर्ज मुक्त भारत अभियान की, किसी कारण से आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो हमारी सरकार से मांग है या तो हमें समय दिया जाए। दो कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? बाबू सिवरे कुमराज डिस्ट्रिक्ट गुना। गुना से हैं आप, आए हैं, कितना कर्ज है आप पर? मैंने 3 लाख लिए थे, 3,25,000 जमा करा चुके। अच्छा, ये पैसा क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, अब क्या समस्या आ रही है आपको? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर इसके बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा, धंधा पानी सब चौपट हो गया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक्सीडेंट और लॉकडाउन के बाद में आप कर्ज की दलदल में फंस गए रहे हैं, तो अब आपको सर के जो कर्ज मुक्त अभियान चल रहा है इससे क्या उम्मीद लगी और क्या लग रहा है कि हम ये लड़ाई जीत पाएंगे? लड़ाई बिल्कुल जीत पाएंगे क्योंकि हमको उम्मीद है, आपने उम्मीद जगाई है, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे और हमारा कर्ज जहाँ तक पर कम से कम मैं हम चुका। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मायाबाई नाम है। जी, भोपाल से आए हैं आप, क्या समस्या आ रही, कितना कर्ज है और क्यों कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं आप? किस लोन लिया था 15 लाख रुपए का, तो क्या हो गया जो आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो? कोई परेशानी आ गई इस चक्कर में, शॉप भी बंद हो गई है। शॉप क्यों बंद हुई लॉकडाउन में, हुई नोटबंदी में, जीएसटी किस कारण बंद हुई? अब लॉकडाउन में आपकी भी दुकान बंद हो गई है। तो साथियों आप देख सकते हैं अधिकतर जो लोग हैं लॉकडाउन और नोटबंदी से परेशान है। क्या नाम है आपका? भोपाल से आप भी आए, कितना कर्ज? अच्छा, मतलब 24,000 किस्त आ रही है, व्यापारी बंद हो गया है, तो अब ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रॉपर्टी मोर्टगेज है और नौकरी करके कहीं ना कहीं किस्तें चुकानी पड़ रही है आपको। बैंक जाकर बात की थी तो उन्होंने कहा है कि आप प्रॉपर्टी बेच दो फिर हमारा लोन क्लियर कर दो। तो देख सकते हैं साथियों किस तरह। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? चंदन सिंह राज। कहाँ? पचोर। पचोर से। कितना कर्ज है आप पर और क्यों लिया था आपने? व्यापार के लिए लिया। फिर मेरे को कैंसर हो गया। तो आपको उम्मीद है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है ये आम गरीब लोगों के लिए है। जिस तरह देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों हजारों करोड़ों रुपए कर्ज माफ हो रहा है, दूसरी तरफ आम जो गरीब जनता है वो 2-5-10 लाख रुपए के चक्कर में कर्ज से परेशान है, तो कहीं ना कहीं आपको श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने जो उम्मीद दी है कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत, आप मकान नीलाम करने आ गए बैंक वाले आपके। तो देख सकते हैं कैंसर होने के बावजूद लॉकडाउन के बाद में स्थिति खराब हुई। भैया कहाँ से हैं आप? पीपल कोटा से। कितना कर्ज है आप पे? दुकान में चोरी हो गई लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले चोरी हो गई है। चलिए ठीक है, कहाँ से हैं आप? राजगढ़ से हूँ सर। राजगढ़ से हैं। कितना कर्ज है आप पर? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। कहाँ से हैं आप सर? गुना से हूँ। गुना से। आप कहाँ से हैं? ब्यावरा। आप कहाँ से हैं? गुना से हैं। आप कहाँ से हैं? चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं जी? क्या नाम है आपका? अभिषेक पाटिल। अभिषेक कहाँ से आए हैं आप? खोकरा से। कितना कर्ज है, क्यों परेशान हो रहे हैं कर्ज के कारण आप, क्या समस्या आ रही है आपको? व्यवस्था नहीं हो पाई है पैसे की और। अच्छा, किस्त तो आती है पर मंथ ईएमआई तो आनी है। अच्छा, लेकिन कर्ज मुक्त भारत अभियान में फॉर्म भरने के बाद उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं आपको सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप शाहनवाज सर के लिए? उन्होंने बहुत बड़ा किया सर ये। अच्छा, अभियान चला के एक उम्मीद मिली है लोगों को कहीं ना कहीं जीने के लिए कि जो आत्महत्याएं देश में हो रही थी 2-5-10-20 लाख रुपए के चक्कर में, एक तरफ देश का बड़ा बड़ा व्यापारी वर्ग लाखों हजारों करोड़ों रुपए लेके विदेश भाग रहा है, उसका कर्जा अलग अलग तरीके से माफ हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो हेयर कट के नाम पे सुभाष चंद्रा जी जो जी न्यूज़ के मालिक हैं 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ का कर्ज था जिसमें 5,000 करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे माफ कर दिया गया है। तो क्या ये कानून, क्या ये सरकार, क्या ये बैंकें सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करेगी, आम जनता के लिए काम करेगी? भाई ये सरकार जो हमने चुनी थी हमने अपने लिए चुनी थी कहीं ना कहीं, तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना?
और शाहनवाज सर के लिए आप लोग क्या कहेंगे जो मुहिम चलाई आप लोगों के लिए? शाहनवाज सर ने जो ये बीड़ा उठाया है गरीब लोगों के लिए और आम जनता के लिए, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और इस तरीके से वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मैं कहता हूँ पूरे भारत देश, पूरे इंडिया के लोगों को एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए, उनकी टीम का साथ देना चाहिए। और मैं कहता हूँ जिस तरह से वो आगे आकर के हम लोगों का दर्द स्वीकार किया है, वो हमारा दर्द सुनने वाला हमारे रिश्तेदार अपना कोई नहीं था, जो शाहनवाज सर और सुरभि मैडम ने हमारे साथ में जो हमको गाइडेंस किया हुआ, जो हम एक महीने से हम जो बैंकों को जवाब दे पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, वो आज उन्हीं के देने हम लोग जिंदा खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारी मरने की नौबत आ चुकी थी, उन्होंने हमें मरने से बचाया है। अगर मैं इंदौर से हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ कि सर आपको कोई भी मदद पड़े, आधी रात को भी हम सब नारा लगाते हैं, आज हम सब एक हैं, हम सब आपके साथ हैं। जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी कर्जा माफी, करनी पड़ेगी कर्जा माफी, करनी पड़ेगी कर्जा माफी, करवा के रहेंगे 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 कर्जा माफी, करनी पड़ेगी कर्जा माफी, करनी पड़ेगी कर्जा माफी, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्ज माफ करना पड़ेगा। शाहनवाज सर जिंदाबाद, शाहनवाज सर। किस तरह परेशान है, एक तरफ देश की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हम इस लाइव के माध्यम से शाहनवाज सर और मैं भास्कर चौहान भारतीय स्वयं आग्रह करते हैं, बार बार करते हैं कि आदरणीय मोदी जी, ये आपकी जनता है, आपको वोट देकर इन्होंने चुना है और ये आपका ही दायित्व बनता है कि आप इन लोगों की कर्ज माफी में योगदान दें। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ हो गया, आप सबको शायद जानकारी होगी, इस बार की सदन में एक जानकारी दी गई है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार में 14,56,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा राइट ऑफ किया गया है, 14 लाख करोड़। तो आप अब ये बता दो, सरकार को भी बताना चाहिए कि ये पैसा किन उद्योगपतियों का माफ हुआ है। भाई आम जनता का तो माफ नहीं हुआ है, ये मेरी गारंटी है, आम जनता का तो माफ नहीं हुआ है। अरे आम जनता कर्जा माफ होता तो आज ये भीड़ नहीं आती, ये भीड़ आती क्या? नहीं आती क्या? आप लोग किसी कर्जा माफ हुआ है क्या? है ना, तो किसका हुआ है? उद्योगपतियों का, बड़े घरानों का, जिनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, जिनके पार्लियामेंट में संबंध है, उन लोगों का कर्जा माफ हुआ है। गरीब एक बार मोदी जी से आह्वान कर दो कि सरकार हमने आपकी बनाई है, उन उद्योगपतियों की 100 वोट से नहीं बनी है। मैं माननीय आप एक गरीब जनता के साथ में खड़े होकर के देखिए, उनका दर्द सहन करिए। अगर ये कर्जा माफ आप उनको करते हैं तो आज देश की जनता के लिए आप भगवान हो जाएंगे, आप राजा हैं। ये प्रजा आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ी है कि हम लोग कोरोना काल में, GST में, नोटबंदी में, लॉकडाउन में इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं कि हमारे परिवार के सहित जेल खाने की हमको नौबत आ गई है। हम आग्रह करते हैं मोदी जी से कि मोदी जी आपको हमने भगवान माना है और आगे भी मानते रहेंगे, बस ये हम गरीबों की पुकार सुने, इससे कि हम लोगों का कल्याण और जीवन सुचारू रूप से जी सके हम लोग। पिछले एक साल से ये मुहिम चल रही है, जुलाई 2022 से, एक साल से ऊपर समय हो गया, लगभग 10 लाख कर्जदार परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामलीला मैदान में 8 अगस्त को 2.5 लाख से अधिक जनता पहुंची, बड़े बड़े मीडिया हाउस पहुंचे, लेकिन किसी ने इसको दिखाने की जहमत नहीं उठाई है। तो ये चीज सरकार तक जानकारी पहुंच गई है, हर महीने हमारा डेटा सरकार तक जा रहा है, तो क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही हमारी? सब सुनेगी सरकार, सरकार के पास सारे आंकड़े पहुंच रहे हैं और आपके यहाँ की ये सारी एक्टिविटीज की खबर भी सरकार को है। बस ये है कि सरकार की तरफ से कोई एक पहल करने वाला आदमी आ जाए जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दे तो जरूर हम गरीबों की सुनवाई होगी। इसके लिए शाहनवाज सर और हमारी टीम ने पूरे 543 सांसद को लेटर भी लिखे हैं कि क्या आप जनता की कर्ज माफी के समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गिने चुने जन 2-4 सांसदों ने समर्थन किया है, बाकी किसी ने समर्थन नहीं किया है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार ही आपका मुद्दा नहीं उठा रही है, बताइए आप? सब उठाएगी, आगे पीछे उठाएगी तो आगे के लिए पछताएगी, हम कैसे देंगे? बिल्कुल, अगर 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 सरकार गिरा भी सकती है, जनता सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है सरकार। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप शाहनवाज सर के साथ में है? शाहनवाज सर के साथ में है, हमारा 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 साथ
साथ क्यों नहीं दे रही सरकार? हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी एक ही धर्म है, एक ही जाति है, कर्जे वाले हम कर्जे वाले हैं। और जब तक जो सरकार हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी हम उसका साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा माफ करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, कर्जा माफी करनी पड़ेगी, कर्जा माफी करनी पड़ेगी, कर्जा माफी करवा के रहेंगे, कर्जा माफी करवा के रहेंगे, कर्जा माफी करवा के रहेंगे, कर्जा माफी। मित्रों का किया है, कर्जा माफी हमारा करना पड़ेगा, मित्रों का किया है, कर्जा माफी मित्रों का किया है, कर्जा माफी अपनों का किया है। आम जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, आम जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। देख सकते हैं साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यावरा में जनता बहुत ही आक्रोशित है। और यहां पर आज जो कार्यक्रम चल रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान का, विगत 15 माह से हम ये अभियान चला रहे हैं और लगभग 10 लाख का डेटा हम सरकार को दे चुके हैं, लेकिन जनता को अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। और जनता कितना वेट करे, क्योंकि साहूकार एजेंट, बैंक के एजेंट सब लोग इनको परेशान करते हैं और इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इस स्थिति में सरकार जिसे जनता की सुध लेना चाहिए, तो सरकार तो बहरी सरकार है, आंख ऐसे तो दिखता है लेकिन कान इन्होंने बंद कर लिए। और ऐसी सरकार को हमें 2024 में सबक सिखाना चाहिए। और जो बैंक वाले NBFC वाले घर घर आकर के लोगों की बहन बेटियों के साथ में अभद्र तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके लिए भी मोदी जी को कोई कदम उठाना चाहिए, RBI को उठाना चाहिए। और सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर कड़क नहीं है, छूट दे रखी है, अगर सरकार सख्त कानून बनाए इन चीजों के लिए, तो किसी की मजाल नहीं है कि किसी की बहन बेटी पे कोई उंगली उठा सकता है। और सरकार से मेरा एक निवेदन और है, कृपया करके मोदी जी और संसद के लोग ध्यान से सुने कि अगर कोई आदमी की प्रॉपर्टी डबल है और उसका लोन सिंगल है, रुपए का 8 आने लोन है और प्रॉपर्टी डबल है, बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टी हड़पने में लगे हुए हैं, मैनेजर लोगों की सांठगांठ इन्वेस्टरों से हो गई है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदो आधे पड़े दामों में, अपन दोनों मिल बांट के बाद में खाएंगे, प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेते हैं। इस तरीके से बैंक वाले अपना काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं मैनेजर की आड़ में। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ये वाली आवाज पहुँचाओ और अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे, अपनी दुकान, अपने मकान, अपना गोडाउन किसी पे आज नहीं आने देना है आपको। आपने लोन लिया है, हमारी स्थिति खराब हुई है, 2 लॉकडाउन झेले हैं, 1 नोटबंदी, GST, अगर इस सब चीजों में हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया 5 साल में, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां हैं। और इसी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं कर्जा माफी के लिए। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके, कि इन लोगों को दिल्ली आने तक मजबूर मत करिएगा, नहीं तो पूरी 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 पूरा पूरा भारत देश भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए साथियों, चौधरी जी जिंदाबाद, शैलवाज चौधरी जी की जिंदाबाद। देखिए आम जनता कितनी उत्साहित है, परेशान है, फिर भी शाहनवाज सर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, सरकार से मांग कर रही है, हमारी चुनी सरकार से मांग कर रही है कि अब तो सुन लो सरकार, हमने तुमको चुना है ना कि उद्योगपतियों के लिए चुना है। साथियों मैं अब ये लाइव समाप्त करने वाला हूँ और आप सबसे आग्रह करूँगा कि इस लाइन से लगे रहें, सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे और एक एक व्यक्ति का साथ आपको देना है, मिलकर इस विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करना है। आप देखिए किस तरह प्रमाण पत्र वितरण प्रारंभ चल रहा है।